जब आपके आसपास के लोग आपको पसंद करते हों, तो जिंदगी जीने का अपना अलग ही मजा होता है। आप जरूर ये चाहते होंगे कि आप जहां भी जाएं तो लोग आपसे अच्छे से बात करें और आपकी इज्जत करें। तो आखिर आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे लोग आपसे खुश हो जाएं? ये किताब आपको बताती है कि किस तरह से आप नए और अच्छे दोस्त बना सकते हैं और अपने साथियों का भरोसा जीत सकते हैं। ये किताब उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है जो एक सेल्समैन है या फिर राजनीति में कदम रखने के बारे में सोच रहे हैं। जब आप किसी को ये दिखाते हैं कि आप उसकी बहुत परवाह करते हैं, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो सबसे पहले आप उन्हें ये दिखाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। लेकिन कैसे? दूसरों से पूरे उत्साह के साथ बात कीजिए। आपके उत्साह से लगना चाहिए कि वो जो बोल रहा है आप उसे वाकई सुनना चाहते हैं। इसके अलावा वो जो भी कुछ कहे आप उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। आप उनका नाम, पता या जन्मदिन याद रखने की कोशिश कीजिए। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन इस मुश्किल काम के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बात करते वक्त बार बार उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे अच्छा लगता है और वो तुरंत ही आपको पसंद करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, तो पहले इज्जत देना सीखिए। बिना कुछ दिए आप किसी से कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रख सकते। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट लें, तो पहले खुद आपको उनमें इंटरेस्ट लेना होगा। दूसरों में इंटरेस्ट लेने से हमारा मतलब उनकी बातों को ध्यान से सुनने से है। अगर आप सामने वाले की बातों को बार बार काट कर अपनी बात कहने लगते हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और फिर वो भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सुनने के और भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप ध्यान से सामने वाले की बात सुनेंगे, तो इससे आप उसके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। आप उनकी प्राइवेट बातें, उनकी पसंद नापसंद और दूसरी चीजों के बारे में जानकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आपने सामने वाले को समझ लिया, तो आप वो बात कीजिए जिसके बारे में बात करना उसे पसंद हो। इस तरह से आप उसके साथ घुल मिलकर अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो अब जब आप किसी से मिले, तो पहले अपनी बात मत कहिए। आप सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए मजबूर कीजिए, जिससे आप उसे अच्छे से समझ सके। उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए और साथ ही उसे यह एहसास दिलाइए कि वो जो बोल रहा है उसमें आप वाकई इंटरेस्ट रखते हैं। किसी से रिश्ते की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है मुस्कुराना। ऐसा कहा जाता है कि मुस्कुरा कर दी गई गाली का भी कोई बुरा नहीं मानता। ये जरूरी नहीं है कि किसी से मिलने पर आप उसे क्या बोलते हैं, क्योंकि लोग आपके शब्दों को कभी याद नहीं रखते। जरूरी ये है कि आप उनसे मिलने पर कैसा व्यवहार करते हैं। तो किसी से पहली बार मिलने पर आखिर ऐसा क्या करें जिससे सामने वाले पर एक अच्छा इम्प्रेशन बने? एक शब्द में, मुस्कुराइए। जब हम मुस्कुराते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उनसे मिलकर हम खुश हैं और उनका साथ हमें अच्छा लग रहा है। जब सामने वाला देखता है कि उनसे मिलने पर आप खुश हैं, तो वो भी खुश हो जाता है। मुस्कुराने के और भी बहुत से फायदे हैं। साइकोलॉजिस्ट ने इस बात का पता लगाया है कि मुस्कुराने से हमारे अंदर खुशी की भावना अपने आप ही पैदा होने लगती है। और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, तो आप मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, इससे आप खुश हो जाएंगे। मुस्कुराने से हम खुश रह सकते हैं, इससे हमें देखने वाला भी खुश हो जाता है और किसी से मिलने पर सिर्फ मुस्कुरा देने से उसके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन बन जाता है। इस तरह से इसके बहुत से फायदे हैं। दूसरों से ये मत कहिए कि वो गलत है। जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि वो गलत है, तो असल में आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं। अगर आप सामने वाले से ये कहेंगे कि वो गलत है, तो उसे लगेगा कि आप उससे कह रहे हैं कि वो बेवकूफ है या आप उनसे ज्यादा समझदार हैं। इस तरह से उनके अंदर एक घाव हो जाएगा और फिर वो उसका बदला लेने के बारे में सोचने लगेंगे। इसीलिए किसी की बात का विरोध कुछ इस तरह से करना सीखिए कि उसे ये न लगे कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।